भगवान परशुराम की जयंती पर आयोजित 5 दिवसीय महोत्सव के तहत ब्राह्मण समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत शोभा यात्रा, दीप दान और रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। शनिवार को भी इसी उपलक्ष्य में एक वाहन रैली का आयोजन किया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा और आईपीएस महेश भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने बाइकों पर ध्वज पताका लेकर भगवान परशुराम के जयकारे लगाते हुए बाजारों से रैली निकाली। इस मौके पर समाज के अनेकों महिलाओं और पुरुषों ने भी शिरकत की। बहुत शानदार तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं और इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से आज वाहन रैली में हमारे अलवर के गौरव डॉक्टर महेश भारद्वाज जो आईपीएस हैं दिल्ली से, इसी कार्यक्रम के निमित्त पधारे हैं। शाम को 5 बजे भगवान परशुराम जी के मंदिर से, परशुराम भवन से शोभा यात्रा आरंभ होगी, जो अलवर के सारे प्रमुख मार्गों पर होते हुए ब्राह्मण छात्रावास में पहुँचेगी। वहाँ सभी लोगों का स्वागत सम्मान होगा। शुरू हुई है और अभी 6:30 बजे अशोक स्तंभ के चौराहे पर 1100 दीपक का दान किया जाएगा, दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। और उसके साथ साथ आज शाम को 6 बजे बैरोड में भी भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा का आयोजन है। आज 5वां दिन है हमारे भगवान परशुराम के जन्मोत्सव का, जो 6 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, 5वां दिन है। इसमें शोभा यात्रा की पूर्व संध्या पर हम वाहन रैली निकालते हैं, जिसमें हजारों गाड़ियां हैं और ये परशुराम सर्किल समिति एवं युवा ब्राह्मण के सौजन्य से निकाली जा रही है अलवर जिला ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में। और इस समिति के संयोजक ओम प्रकाश जी हैं और युवा सभा के अध्यक्ष बजरंग जी हैं, वो इसको पूरी तैयारी के साथ निकाल रहे हैं। इसमें आज की तारीख में कम से 501 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें हैं और इसका हमारा एक ही उद्देश्य है, सद्भावना। और शोभा यात्रा की पूर्व संध्या पर हमको इसलिए निकालते हैं जिससे समाज में मैसेज जाए कि कल जो शोभा यात्रा निकलेगी वो सद्भावना के साथ ही निकलेगी और सद्भावना का एक माहौल बनेगा।